नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन सिंह बिष्ट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के तहत वेबसाइट कैसे बनाते हैं और कौन से ऐसे 7 स्टेप हैं जिसकी सहायता से आप भी वेबसाइट बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार, आज मैं आपको पार्ट 3 वेबसाइट कैसे बनाए इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। आइए इस वीडियो को देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं आपको अपनी वेबसाइट कैसे बनाएं, डोमेन, वेबसाइट टेम्पलेट चयन, कंटेंट बनाना, पेज, मेन्यू, नेविगेशन, लॉन्च एंड टेस्टिंग के बारे में बताते हुए डोमेन के बारे में जानकारी दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, सबसे पहले दोस्तों आता है आपका वेबसाइट बनाने के लिए मुख्य जो सबसे पहले आता है दोस्तों, वो आता है डोमेन, डोमेन नेम और होस्टिंग। जी हाँ दोस्तों, डोमेन नेम और होस्टिंग, सबसे पहले आपको एक डोमेन नाम अपना कोई रखना होगा और उसकी होस्टिंग के लिए जैसे कि ब्लू होस्ट या हॉट स्टार से आप उसको खरीद सकते हैं। डोमेन कई जगह से मिल जाता है, तो आप सबसे पहले आपको कोई डोमेन लेना होगा, ठीक है। जैसे कि आप एक तरह से जो है डोमेन के लिए आप एग्ज़ाम्पल के रूप में मैं कह सकता हूँ, जैसे आपने अपना नाम है, ठीक है, उसके नाम के हिसाब से कोई आप .com.txt इस तरह से कुछ अगर आप लेना चाहते हैं, या .org है ना, अपने नाम के आगे मान लीजिए, सपोज डेट आपका नाम राहुल है तो rahul.org, इस तरह से जो है आप एक डोमेन नेम ले सकते हैं। फिर आप उसकी होस्टिंग कर सकते हैं, यानी उसको आप सेव करोगे, उसको सेव करने के लिए भी आपको जगह चाहिए होती है, क्योंकि आपके पास जो डेटा होगा तो उस डेटा को किसी सर्वर में सेव करोगे तो वो होस्टिंग होती है, एक सेवा होती है जो इंटरनेट हमें उपलब्ध कराता है, तो वो भी आपको ख़रीदनी पड़ती है कि आप 1 साल के लिए ले रहे हो, 2 साल के लिए, तो उस हिसाब से आपको कुछ पे करना पड़ेगा। दूसरा नंबर पर दोस्तों आता है हमारा, तो दोस्तों वेबसाइट प्लेटफॉर्म पर क्या होता है, आप वेबसाइट बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म, जैसे कि आप किस प्लेटफॉर्म पे वेबसाइट बनाओगे, वर्डप्रेस पे बनाओगे, विक्स पे बनाओगे, स्क्वायर स्पेस बनाओगे, तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट अलग से चुननी होगी कि वहाँ पे आप अपनी वेबसाइट प्लेटफॉर्म के तहत आप वेबसाइट वहाँ बनाओगे। तो किस जगह बनाओगे, जगह का स्थान होता है ये प्लेटफॉर्म होता है, जैसे आप स्टेशन पर रुकते हो तो टिकट खरीदते हो, इसी तरह से। दूसरा दोस्तों टेम्पलेट चयन, टेम्पलेट चयन में क्या दोस्तों, अपनी वेबसाइट के लिए आप टेम्पलेट चुनते हो, जैसे कि ब्रांड और व्यवसाय के अनुसार, मान लो आप कोई खेल से रिलेटेड बना रहे हो तो उसमें आप क्रिकेट की चीज़ों को दिखाओगे, उनके चयन वगैरह, मतलब फ़ोटोज़ वगैरह कुछ खिलाड़ियों के ही है जो भी है, तो इस तरह से आप मतलब एक तरह से जो है टेम्पलेट चुनोगे। आपने टेम्पलेट तो पता ही होगा, जैसे कि चित्र वगैरह जो होता है, प्लेटफॉर्म पे कोई जाएगा तो कैसे उसको पता लगेगा कि किस चीज़ की वेबसाइट है, तो उस वो होता है, वो टेम्पलेट आप चुन सकते हैं, ठीक है। अगला है दोस्तों कंटेंट बनाना, कंटेंट वाला अपनी वेबसाइट जब आप बनाओगे तो उस वेबसाइट में आपके पास टेक्स्ट होना चाहिए, इमेज होनी चाहिए, वीडियो होनी चाहिए, तो मान लो वो आप अपनी वेबसाइट पे दिखाओगे उसको, तो जो भी वेबसाइट पे आएगा तो वो ये देखेगा कि हाँ भाई आपकी वेबसाइट पर मतलब ये चीज़ें हैं, पढ़ने वाले लोग होंगे तो वो पढ़ के पता लगाएंगे वेबसाइट के बारे में, और बाकी लोग जो है इमेज देख के पता लगा लेंगे, कुछ लोग वीडियो देख के और पता लगा लेंगे। तो कंटेंट भी आपके पास होना चाहिए जिससे आप वेबसाइट जब बनाते हैं तो ये आपको रेडी रखना होगा। अगला दोस्तों पेज बनाना, वेबसाइट पे आप पेज बना सकते हैं, जैसे कि आप होम पेज, अबाउट पेज, कंटेंट पेज, इस तरह से कई पेज आप वहाँ पे बना सकते हैं, जिससे कि लोग होम पेज में आप जाओगे तो होम पेज में आपको अपनी जानकारी पूरी प्रोवाइड करानी होगी, किस बारे में है वेबसाइट, क्या है, क्या काम करती है। फिर उसके बाद अबाउट पेज में आप और अपनी जानकारी दोगे, ठीक है, तो होम पेज में तो सारे आपके पॉइंट्स आ जाएंगे, वहाँ से वो कहीं भी जा सकता है। फिर अबाउट पेज में फिर आप उस पेज के बारे में जानकारी दोगे, फिर कंटेंट वगैरह जो जिसमें आपका जो भी कंटेंट है, आप किस बारे में क्या क्या वो रखते हो, सारी चीज़ें आपको अपनी वेबसाइट पे देनी होगी। जैसे कई लोग अलग अलग विंडोज़ देते हैं, उस विंडोज़ से लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। मेन्यू और नेविगेशन अगला आता है दोस्तों, मेन्यू और नेविगेशन क्या है, इसमें आप अपनी वेबसाइट के लिए मेन्यू और नेविगेशन बना सकते हो ताकि उपयोगकर्ता आसानी से वेबसाइट पर नेविगेट कर सके। मान लो जैसे कि फॉर्म वगैरह भरना है, उसको रजिस्ट्रेशन कराना है, या कुछ मान लो आपने कुछ वहाँ पे एड्रेस वगैरह कुछ दे रखे हैं, या कुछ वहाँ से उसके आगे मतलब वेबसाइट के बाद की जो काम उसको करने होते हैं
तो जैसे कि आप शॉपिंग वेबसाइट बना रहे हो, तो शॉपिंग से रिलेटेड कुछ सामान होगा तो उसका वहाँ डिटेल देगी, फॉर्म फिलिंग का और बाकी सब चीज़, तो मतलब वो आगे उस पर आपको नेविगेट कर सके मेन्यू पे जाके, तो ये भी आपको वहाँ पे देखना होगा। उसके बाद लॉन्चर टेस्टिंग आता है, तो आप लॉन्च कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को, लॉन्च कर सकते हैं और फिर उसके बाद टेस्टिंग कर सकते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि आपकी वेबसाइट काम कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये 7 चरण होते हैं वेबसाइट बनाने के लिए, जो कि डोमेन होस्टिंग और नाम, वेबसाइट प्लेटफॉर्म, टेम्पलेट चयन, कंटेंट बनाना, पेज बनाना, मेन्यू और नेविगेशन, लॉन्च और टेस्टिंग। आई होप दोस्तों ये स्टेप आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे और आप समझ गए होंगे कि वेबसाइट कैसे बनाएं। दोस्तों ये स्टेप आपको फॉलो करने हैं तभी आप वेबसाइट बना पाएंगे। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अगले वीडियो में हम और ज़्यादा आपको डिटेल में बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग के तहत आप सीख रहे थे वेबसाइट कैसे बनाएं, और आज आपने सीखे कि वेबसाइट आपके डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है जो कि आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप वेबसाइट बनाते हैं तभी आप डिजिटल मार्केटिंग में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों हमारी ये वीडियो पार्ट नंबर 3 था, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने आपको काफ़ी जानकारी दी है। ये पार्ट 3 था जिसमें कि वेबसाइट के बारे में जानकारी दी गई है। आगे हम वेबसाइट के बारे में ही आपसे बात करते रहेंगे और लगातार हमारी वीडियो को आप देखते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप वेबसाइट बनाना भी सीख जाएंगे और डिजिटल मार्केटिंग भी अच्छी तरह से सीख जाएंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।